हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को गांव तिगड़ाना में बीएसएफ के जवान मुकेश के अंतिम संस्कार में शामिल होकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान सीएम ने उसके दो बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही फौजी के पिता पूर्व सैनिक और परिजनों को ढांढस बंधाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अपने काफिले को रुकवाकर खेतों में पहुंचे, जहां बारिश और तेज हवा से बीत चुकी किसानों की गेहूं की फसल का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी साथ थे। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री ने गांव तिगड़ाना के बाबा परमहंस लट्टाधारी मंदिर में माथा टेक कर अपने दूसरे दिन के जनसंवाद कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इसके बाद मुख्यमंत्री गांव दनाना पहुंचे, जहां विश्व मुक्केबाज में स्वर्ण पदक विजेता नीतू गनगस के घर पहुंचे, उसे आशीर्वाद दिया। नीतू के परिजनों ने सीएम मनोहर लाल से गली बनवाने की मांग रखी, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को मौके पर गली बनाने के निर्देश दिए। गांव तिगड़ाना में ग्रामीणों से जनसंवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार के 2 साल कोरोना ने खराब कर दिए, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हुआ। पिछली सरकार में सिर्फ 2-4 रुपए मुआवजा दिया जाता था, अब कम से कम 500 रुपए दिया जा रहा है, ताकि किसान का कुछ तो फायदा हो। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।